दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग और कैसे चल रही है आपकी तैयारी। आशा करते हैं कि आपकी एसएससी की जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छी खासी चल रही होगी। लेकिन अब हम आपको सजेस्ट करेंगे, आपको हम सलाह देना चाहेंगे कि अब आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी की जो रफ्तार है, जो स्पीड है, उसको थोड़ा और तेज़ कर लीजिए। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कल अर्थात 9 मार्च को ही आपके एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आपके एसएससी बोर्ड ने नोटिफिकेशन इशू कर दिया, जिसके अकॉर्डिंग आपका जो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम है वो 11 अप्रैल से शुरू होगा, 11 अप्रैल से शुरू होकर 21 अप्रैल तक चलेगा। ठीक है, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे एक बार फिर से कि आप अपनी रफ्तार को बढ़ाइए। ठीक है, तैयारी की जो रफ्तार है, स्पीड है, उसको आप बढ़ाइए, पढ़ाई पे, अपने स्टडी पे ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेट कीजिए। और सबसे बड़ी बात कि आपने अभी तक जो कुछ भी सीखा है उस पे जो आप प्रैक्टिस करते हैं, उसका जो आप रिवीजन करते हैं, रिवीजन की रफ्तार को डबल कीजिए और मैक्सिमम सेट लगाइए। ठीक है, ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यही चीज़ें आपको अपने एग्ज़ाम में जाके बेनिफिट देती हैं, इन्हीं के आधार पर आपका एसएससी में सिलेक्शन होना है। ठीक है, चलिए तो अब इसके बाद हम लोग यहाँ से कुछ नई चीज़ों की चर्चा करें। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर का एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। नया टॉपिक हमारा कौन सा है? तो हमारा नया टॉपिक है एडवर्ब। क्या है एडवर्ब? अब हम लोग सबसे पहले बात करें कि क्या एडवर्ब पढ़ना ज़रूरी है, एडवर्ब से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले आपको पता ही है कि ग्रामर से कॉमन एरर के सेक्शन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के सेक्शन में क्वेश्चन दिखाई पड़ते हैं। इनके अलावा इनका और कहां कहां यूज़ आपको देखने को मिलता है। एसएससी एग्ज़ाम की बात करते हैं, चाहे वो सीजीएल हो या सीएचएसएल हो। ठीक है, तो इन दोनों ही एग्ज़ाम में प्राइमरीली आप देखेंगे, मुख्य रूप से आप देखेंगे कि एरर डिटेक्शन में अर्थात कॉमन एरर में इसका क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, इम्प्रूवमेंट में मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स में इसका जम के यूज होता है और क्लोज टेस्ट में भी इसका जम के यूज़ आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और कई बार जब आप रीअरेंजमेंट बना रहे होते हैं वहाँ पर भी ये आपको दिखाई पड़ता है। ठीक है, हालांकि इसका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है आपके इंग्लिश ग्रामर में, लेकिन इसको पढ़ना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ये काफ़ी कन्फ्यूजन से भरा होता है। और एक तो इंग्लिश हम लोगों को समझ में आती नहीं, विशेष रूप से ऐसे बच्चों को जिनकी इंग्लिश ज़्यादा वीक होती है या जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते हैं। ठीक है, दूसरी बात कि जिनको इंग्लिश आती है उनको भी ये टॉपिक कन्फ्यूज करता है। ठीक है, तो इन सभी कारणों से इसको पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, और इनको पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इनको पढ़ने से आपके ढेर सारे कन्फ्यूजन, कई जगहों पे आने वाले कन्फ्यूजन आपके क्लियर हो जाते हैं, लाइक टेंस में, लाइक प्रोनाउन में, लाइक एडजेक्टिव में, और एडवर्ब का तो होता ही होता है। ठीक है, एडवर्ब एक ऐसा सेक्शन है, एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जहाँ पे कोई काम नहीं करे वहाँ पे काम करता है एडवर्ब। ठीक है, अब जैसा कि हम लोग एडजेक्टिव के बारे में जानते हैं कि एडजेक्टिव क्या करता है भाई, तो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, यही हमने आपको बताया था। एडवर्ब क्या करता है? तो एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करता है अर्थात वर्ब के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है, और इसके अलावा एडजेक्टिव के बारे में देता है, प्रेपोजिशन के बारे में देता है, और कभी कभी पूरे सेंटेंस या क्लॉज को भी क्वालिफाई करता है। ठीक है, इसका अपना कोई एक प्रॉपर प्लेस फिक्स नहीं है। जैसे मैक्सिमम टाइम हम लोग एडजेक्टिव में देखते हैं कि एडजेक्टिव का यूज़ कहाँ होता है, तो नाउन के पहले होता है। ठीक है, बट वहाँ पर भी हमने आपको बताया था कि इसके भी तीन प्रकार से यूज देखने को मिलते हैं, अट्रीब्यूटिव, प्रेडिकेटिव और पोस्ट पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन एडवर्ब की यदि हम लोग बात करें तो इसका कोई एक प्लेस फिक्स नहीं है। ठीक है, इसको फिक्स करने के लिए, इसको जानने के लिए इनके प्लेस के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और इनके थोड़े टाइप्स को भी हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि टाइप के अकॉर्डिंग भी ये कभी सेंटेंस के लास्ट में आता है, कभी ये मिडिल में आता है, और कभी ये बिगिनिंग में आता है। तो उन सभी तथ्यों पे, उन सभी पॉइंट्स पे हम लोग चर्चा करेंगे जिस पर बेस्ड आपके एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल टीयर 1 में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, टीयर 2 के लिए हम लोग थोड़ा सा अलग से पढ़ने का प्रयास करेंगे क्योंकि टीयर 2 के लिए थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल में जाकर हम लोगों को थोड़ा सीखने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल चूँकि एग्ज़ाम हम लोगों का काफ़ी करीब आ चुका है, एग्ज़ाम का डेट अनाउंस हो चुका है, तो हम लोग सिर्फ उतना पढ़ने का प्रयास करें जितने से अपना काम चल जाता है टीयर 1 में। ठीक है, चलिए तो अब फटाफट हम लोग इसको शुरू करें। और इसको शुरू करने के पहले हम आपको बताते चलें कि दोस्तों, मैं अजीत कुमार आपके यूट्यूब चैनल कंपटीशन कम्युनिटी पे आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ।
और हमारा ये जो बैच है बिल्कुल निःशुल्क है। हम लोगों ने 1 मार्च से अपने जो वीडियो का टाइम स्लॉट था उसको चेंज किया और रफ्तार भी हम लोगों ने थोड़ी सी बढ़ाई है। रफ्तार कैसे बढ़ाए हैं, तो इसका स्पीड हम लोगों ने नहीं बढ़ाया, इसके फ्रिक्वेंसी को हम लोगों ने बढ़ा दिया है। जैसे 1 मार्च के पहले आपको SSC का जो वीडियो था वो सिर्फ 2 टाइम स्लॉट में अवेलेबल था, अब 3 टाइम स्लॉट में अवेलेबल है। इंग्लिश की यदि हम बात करें तो इंग्लिश का वीडियो आपको वीक में 1 मार्च के पहले केवल वीक में 2 इंग्लिश का वीडियो मिलता था, अब आपको मंडे टू फ्राइडे में मिल रहा है। हाँ, आप सबों का एक बहुत बड़ा कंसर्न बना हुआ है, आप सभी बच्चों का एक बड़ा सा कंसर्न बना हुआ है कि सर वो कैब का हम लोग क्या करें, वो कैब अपना कैसे होगा। तो वो कैब के लिए हम आपको वीडियो सेशन में अवेलेबल करवाएंगे ही, लेकिन वीडियो सेशन के अलावा आज से ही अर्थात 10 मार्च से ही शाम में 7 बजे डेली आपको मिला करेगा टेलीग्राम चैनल पे वो कैब का एक क्विज़, डेली वो कैब का एक क्विज़ मिलेगा शाम के 7 बजे, ठीक है। तो उस क्विज़ को अटेंड करना बिल्कुल भी न भूलें और वो काफ़ी हेल्पफुल होगा आप सबों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये एवरीडे चलेगा, एटलीस्ट मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। हम लोग इसको प्रयासरत हैं कि इसको हम लोग मंडे टू संडे अर्थात वीक में 7 डेज हम लोग चलाएँ, ठीक है। अभी फ़िलहाल आपको एक ही टाइम स्लॉट में टेलीग्राम चैनल पर ये क्विज़ हो रहा है, आगे चल के ये 2 टाइम स्लॉट में हो सकता है, ठीक है। जैसा कि हम लोगों का विचार होगा, कंसिडरेशन इस पर किया जाएगा, तो हम लोग इसको 2 टाइम स्लॉट में भी लेकर आ सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको 2 क्विज़ मिलने शुरू हो जाएंगे, फिलहाल अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं 1 टाइम स्लॉट में सिर्फ 1 वोकैब के क्विज़ से, ठीक है। उसमें आपको सारी चीज़ें मिलेगी वोकैब से रिलेटेड, दैट इज उसमें आपको सिनोनिम्स मिलेगा, एंटोनिम्स मिलेगा, OWS वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, idioms and phrases एंड misspelling, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मिलेंगी, ठीक है। चलिए तो अब आज हम लोग अपने इस एडवर्ब के सेशन को वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले एडवर्ब करता क्या है भाई, तो एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, प्रेपोजिशन को क्वालिफाई करता है और कभी कभी ये पूरे सेंटेंस या क्लॉज को भी क्वालिफाई करता है, ठीक है। अब एडवर्ब को हम लोग पहचाने कैसे, तो एडवर्ब के बारे में हम लोगों ने जो बचपन से पढ़ा है, पहले से जो जाना है, सीखा है, समझा है, उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग एडवर्ब के बारे में जानते हैं कि एडवर्ब क्या करता है। तो एडवर्ब बनता कैसे है, सबसे पहले तो एडजेक्टिव में ly ऐड करके हम लोग बनाते हैं एडवर्ब, एडजेक्टिव में ly ऐड करके हम लोग क्या बनाते हैं, एडवर्ब बनाते हैं। जैसे जैसे हम लोग चलते हैं इसकी तरफ, लेकिन इसकी तरफ चलने के पहले थोड़ा सा हम लोग स्लाइड को देखते चलें, ये अपना एडवर्ब का स्लाइड है। सबसे पहले हम लोग इनको पहचानें, ये देखें ये कुछ टाइप्स ऑफ एडवर्ब हैं, ये कुछ टाइप्स ऑफ एडवर्ब हैं, इनको कैसे पहचानेंगे कि किसी भी सेंटेंस में कौन सा टाइप ऑफ एडवर्ब यूज़ किया गया है, तो इनको पहचानने का तरीका बड़ा ही सिंपल सा है। ये देखिए यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम, तो अगर आपको एडवर्ब ऑफ टाइम पहचानना है, जानना है सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ टाइम है या नहीं है, तो कैसे पहचानेंगे। एडवर्ब ऑफ टाइम को पहचानने के लिए आप क्वेश्चन क्रिएट कीजिए व्हेन, इस व्हेन का जो आंसर करेगा वही होगा आपका एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। जैसे हम लोगों ने टेंस पढ़ा था, तो वहाँ पे हम लोग पढ़े थे कि येस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट, पास्ट, अगो, इस प्रकार का कोई भी टाइम इंडिकेटिंग वर्ड लगा हो, ठीक है, तो उसको हम लोग रखते थे किस में, पास्ट इंडिफरेंट में, क्लियर है, बात समझ में आ रही है। और इसी प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा था परफेक्ट कंटिन्यूस में, 2 घंटे से, 2 दिनों से, बचपन से, संडे से, जनवरी से, 1947 से, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आप जो क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, कब से भारत कब से अपना तिरंगा लहरा रहा है, भारत कब से आज़ादी मना रहा है, कब से भाई, तो 1947 से, तो कब का आंसर क्या हो गया, कब का जो आंसर मिला वो क्या था, 1947 से, ठीक है, 1947 से, तो 1947 क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। वह 2 दिनों पहले चला गया, कब चला गया, 2 डेज अगो, कब, 2 डेज अगो, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है, बात समझ में आई। अब यहाँ देखिए एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस के लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन क्रिएट करेंगे वेयर, वेयर का जो आंसर देगा वो होगा एडवर्ब ऑफ प्लेस, और इसी प्रकार से हाउ का जो आंसर देगा वो होता है एडवर्ब ऑफ मैनर। यहाँ देखिए आपको एडवर्ब ऑफ रीजन में और पर्पज में थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, अक्सर हम लोग दोनों को एक दूसरे की तरह ट्रीट कर लेते हैं और दोनों को एक दूसरे से रिप्लेस कर लेते हैं, ठीक है। वाई मतलब क्यों, जैसे हम लोग एडवर्ब पढ़ रहे हैं क्यों, क्योंकि अपने एग्जाम में आता है। आप इंग्लिश क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि SSC एग्जाम में आता है। जैसे रेलवे में इंग्लिश नहीं आता, तो रेलवे के बच्चे इंग्लिश को नहीं पढ़ते, क्यों नहीं पढ़ते, क्योंकि उनके एग्जाम में नहीं आता, बात समझ में आ रही है। तो वाई का जो आंसर देगा वो होगा रीज़न, ठीक है। सिमिलरली फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, तो फॉरवर्ड का मीनिंग होता है किस लिए, क्या होता है, किस लिए, ठीक है, बात समझ में आई।
किस लिए, इसका जो आंसर देगा वो क्या होगा, पर्पज। जैसे हमने अभी आपको बताया कि आप अपने रिवीजन की रफ्तार को दुगना कर दीजिए, ट्वाइस कर दीजिए, डबल कर दीजिए, ठीक है। ऐसा क्यों कर दीजिए, क्योंकि ऐसा करने से, किस लिए कीजिए, क्योंकि इसी पे हम लोगों का, इसी के आधार पे हम लोगों का स्कोर डिसाइड होगा और इसी के आधार पे हम लोगों का एग्ज़ाम में सिलेक्शन होगा, ठीक है, बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट, एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब देखिए, आप में से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि एडजेक्टिव का डिग्री तो होता है पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ये एडजेक्टिव में हम सब लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। क्या एडवर्ब का भी डिग्री होता है, यहाँ पे हम लोगों को पता ही नहीं होता है और हम लोगों को लगता है कि एडवर्ब का डिग्री होता ही नहीं, तो हम आपको बताते चले एडवर्ब का भी डिग्री होता है। जैसे एडजेक्टिव में जो बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं, जैसे ब्यूटीफुल, इम्पॉर्टेंट, हैंडसम वगैरह वगैरह, ठीक है, उनका जब हम लोग पॉजिटिव से कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं तो उनके पहले हम लोग ऐड करते हैं मोर, और सुपरलेटिव में उसके पहले ऐड करते हैं हम लोग मोस्ट। ये सारे के सारे क्या हैं, तो ये सारे के सारे एडवर्ब हैं, ठीक है। जैसे अभी अभी हमने आपको बताया एडवर्ब ऑफ टाइम, टू डेज अगो, दो हफ्ते से, चार दिनों से, बचपन से, जवानी से, वगैरह वगैरह, ठीक है, बात समझ में आई। वो भी क्या है, वो है एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। वह कहाँ रहता है भाई, तो वो दिल्ली में रहता है। हम सब लोग कहाँ रहते हैं, तो इंडिया में रहते हैं। इंडिया कहाँ है भाई, तो इंडिया एशिया में। एशिया कहाँ है भाई, अर्थ पे। तो ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे एडवर्ब ऑफ प्लेस हैं, बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट, तो उसी प्रकार से ये डिग्री भी होता है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट होता है, इन द सेम वेल, बेटर, बेस्ट होता है, वेल, बेटर, बेस्ट होता है, ठीक है, बात समझ में आई। तो ये क्या है, ये एडवर्ब है। और एडजेक्टिव में जो बड़े बड़े एडजेक्टिव का हम लोग कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव बनाते थे मोर और मोस्ट लगाकर, वो भी क्या था, वो भी है डिग्री, ठीक है, वो भी एडवर्ब है। और तो और हम लोग टेंस में पढ़ते थे ऑलवेज, एवर, नेवर, ये सब क्या है, ये सब के सब एडवर्ब हैं, ये सब के सब क्या है, एडवर्ब है। एवर नेवर क्या है भाई, तो वो एडवर्ब ऑफ टाइम है, बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के पहले हम आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताते चले, ये छूट गया हम लोगों का, एडवर्ब ऑफ डिग्री, इसको कैसे पहचानेंगे। आप क्वेश्चन क्रिएट कीजिए हाउ मच, ठीक है, जैसे आप गाना सुनते हैं इतना प्यार तुझे करते, कितना करते हो भाई, इतना या बहुत ज़्यादा, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो हाउ मच का जो आंसर देगा वो क्या होगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री होगा, ठीक है। जैसे कोई सुंदर है, कितना सुंदर है भाई, बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग क्वेश्चन क्रिएट करेंगे, हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार, एक बार, दो बार, बार बार, ठीक है, बार बार देखो, हजार बार देखो। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। जैसे अभी अभी हमने आपको बताया कि आप अपने रफ्तार को दुगना कर लीजिए, आप एक बार पढ़िए, दो बार पढ़िए, चार बार पढ़िए। जैसे इंग्लिश में आप में से कई बच्चों का डाउट आता है, सर ग्रामर तो समझ में नहीं आता, एक तो इंग्लिश सब्जेक्ट ही आपको समझ में नहीं आता, ठीक है, एक तो इंग्लिश सब्जेक्ट ही बच्चों को समझ में नहीं आता, जिनकी इंग्लिश बचपन से वीक रही है उनको तो और समझ में नहीं आता, ठीक है, लेकिन उनको भी इंग्लिश इम्प्रूव करना पड़ता है एसएससी क्वालिफाई करने के लिए। और ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुश्किल हो, दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुश्किल हो, ठीक है। एक कहावत आपने सुना होगा, ठीक है, क्या सुने थे भाई, तो एक बड़ा ही पॉपुलर कहावत है, कौन ऐसा विघ्न है जो मानव के मग में टिक पाता है, कौन ऐसा विघ्न है जो मानव के मग में टिक पाता है, जब मानव जोर लगाता है पत्थर पानी हो जाता है, बात समझ में आई, ठीक है। ऐसे बहुत सारे आपके लिए इंस्पिरेशनल चीज़ें हैं, तो यदि आप करना चाहते हैं तो कुछ भी किया जा सकता है, ठीक है। और आप देखेंगे कि अपने इंडिया में इंग्लिश के बड़े बड़े ऑथर हैं, ऐसे कई राइटर्स हैं, ऐसे कई ऑथर्स हैं, ऐसी कई बुक्स लिखी गई है एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा लिखी गई जिसकी इंग्लिश बहुत ही ख़राब थी, जो किसी ज़माने में इंग्लिश जानता ही नहीं था और बाद में आगे चल के इंग्लिश का बहुत बड़ा टीचर बनता है, बहुत बड़ा प्रोफेसर बनता है, लेक्चरर बनता है, ऑथर बनता है। और उसके द्वारा लिखी गई बुक पूरे हिंदुस्तान में बिकती, ठीक है, काफ़ी रेपुटेड है, ठीक है, बात समझ में आई। जिसमें से एक आपको मिरर ऑफ कॉमन एरर मिल जाता है और ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से हम लोग, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो इम्पॉसिबल हो, हम लोग जब चाहेंगे, आप यदि अगर चाहेंगे तो, आपको इंग्लिश यदि कुछ भी नहीं आती थी, बस इरादे, हौसले आपके बुलंद होने चाहिए, आप सब कुछ ठीक कर सकते हैं, एसएससी क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ चले एडवर्ब ऑफ इंटरोगेशन, या इसी को हम लोग कहते हैं इंटरोगेटिव एडवर्ब। अब ये इंटरोगेटिव एडवर्ब क्या है, तो दुनिया के जितने WH वर्ड हैं वो सब के सब होते हैं। क्या क्या होते हैं भाई, तो सबसे पहले होता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, फिर होता है रिलेटिव प्रोनाउन, फिर क्या होता है, तो फिर होता है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, फिर होता है रिलेटिव एडजेक्टिव, फिर होता है इंटरोगेटिव एडवर्ब, फिर होता है रिलेटिव एडवर्ब, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें होती है। तो रिलेटिव एडवर्ब हम अलग से आपको पढ़ाने नहीं जा रहे हैं, इसको हमने आपको रिलेटिव प्रोनाउन में ही ऐड करके पढ़ाया था और वहाँ पे हमने इसकी चर्चा भी आपके साथ करी थी, ठीक है। चलिए तो अब ये जानने पहचानने के लिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ से आगे निकलते हैं हम लोग। अब ये देखिए यहाँ पे हम लोगों को कुछ एग्जांपल दिख रहा है। अब यहाँ पे कुछ वर्ड जो दिखाई दे रहे हैं एग्जांपल के तौर पे, इसमें हम लोगों को सीखना क्या है, तो इसमें वही सीखना है जो थोड़ी देर पहले हमने आपके साथ चर्चा करी थी। हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि एडजेक्टिव के लास्ट में एलवाई ऐड करके हम लोग उसको बनाते हैं एडवर्ब। एडजेक्टिव के लास्ट में एलवाई ऐड करके हम लोग उसको क्या बनाते हैं, तो हम लोग उसको बनाते हैं एडवर्ब, ठीक है। यही हमने आपको बताया था। अब ये देखिए ये लेफ्ट साइड में क्या है, तो एडजेक्टिव है। अब देखिए कई बार हम लोग इसमें कंफ्यूज भी होते हैं। कैसे कंफ्यूज होते हैं, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे मैन, ये मैन, ठीक है। अब मैन क्या है भाई, तो मैन नाउन है। अब मैन से बना ये मैनली, और यहीं पे कंफ्यूजन है। तो इस कंफ्यूजन की तरफ भी हम आपको लेकर चलते हैं, लेकिन इस कन्फ्यूज़न के पहले इसको अभी थोड़ा हम साइड कर लेते हैं। यहाँ पर कॉर्नर पर हम लिख लेते हैं मैन, और ये मैनली, इसको थोड़ी देर बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। अभी फ़िलहाल हम लोग थोड़ा सा पहले इसको देख लें, तब उस कन्फ्यूजन में चलते हैं। पहले कन्फ्यूज होने के लिए खुद को हम लोग प्रिपेयर कर लें, तैयार कर लें। जैसे ये सारे के सारे क्या हैं, तो एडजेक्टिव है, ठीक है। तो स्टूपिड, स्टूपिड में एल वाई जोड़ के हम लोग बनाएंगे एडवर्ब, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है भाई, तो इसका एक बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है कि कोई भी एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव के लास्ट में एल वाई ऐड कर दीजिए, यही बन जाता है आपका एडवर्ब। क्या बन जाता है, ये बन जाता है आपका एडवर्ब, ठीक है। ये क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है, ठीक है। अब आप में से कई बच्चों के साथ कन्फ्यूजन है कि आप एडजेक्टिव को पहचानेंगे कैसे। तो देखिए यदि किसी भी वर्ड के लास्ट में, किसी भी वर्ड के लास्ट में आप देखिए इस लगाओ, ये सारे के सारे सफिक्स हैं। सफिक्स क्या होता है, तो ये ऐसे ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं जो किसी भी वर्ड के एंडिंग में ऐड होते हैं, जुड़ते हैं, लगते हैं। इस एक ईबल अल, इस एक एबल अल, फुल एफ यू एल फुल, और ओ यू एस, ये यदि किसी भी वर्ड के एंडिंग में आपको दिखाई दे तो वो सारे के सारे एडजेक्टिव होते हैं। हमेशा और हमेशा एडजेक्टिव ही नहीं होते, केवल और केवल एडजेक्टिव ही नहीं होते, एडजेक्टिव के अलावा किसी दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच का रोल ये प्ले कर सकते हैं, लेकिन ये कम से कम एडजेक्टिव तो ज़रूर होंगे, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पर हम लोग देखना शुरू करें कि यहाँ जो हमें वर्ड दिखाई दे रहे हैं ये क्या है। यहाँ देखिए ये ऑब्वियस के लास्ट में देखिए क्या लगा हुआ है, ओ यू एस लगा हुआ है, ये क्या है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। तो ये सारे के सारे एडजेक्टिव हैं। तो स्टूपिड के लास्ट में यदि हम लोग स्टूपिडली कर दें, स्टूपिडली, ये क्या हो गया, ये एडवर्ब हो गया। काइंड से काइंडली, ये एडवर्ब। ऑब्वियस से ऑब्वियसली, लक से लकीली, ठीक है। नाइस से नाइसली, ये सारे क्या हो गए, ये सारे बन गए एडजेक्टिव से एडवर्ब। लेकिन सारे के सारे एडजेक्टिव के लास्ट में एलवाई ऐड करके उनको एडवर्ब नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए बैड से बनता है बैडली, बैड से बनता है बैडली, बट क्या गुड से गुडली बनता है, गुडली नहीं बनता, गुड से गुडली नहीं बनता, ठीक है। अब ये देखिए ये हार्ड, अब यहाँ पे भी एक कन्फ्यूज़न है, इस कन्फ्यूज़न की तरफ हम आपको लेकर चलते हैं। यहाँ पर क्या कन्फ्यूज़न है, तो ये हार्ड एक अलग वर्ड है और हार्डली एक अलग वर्ड है, ये दोनों अलग अलग वर्ड हैं। दिखने में हम लोगों को लगता है कि इस हार्ड में एल वाई ऐड करके बना दिया गया हार्डली, इन दोनों के मीनिंग भी बिल्कुल चेंज है। तो थोड़ी देर बाद हम इस पे भी आएंगे, क्योंकि इससे अपने एसएससी एग्जाम में क्वेश्चन बार बार देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब ये देखिए तो फास्ट, फास्ट से फास्टली बनता ही नहीं है, फास्ट का फास्टली नहीं बनता, ठीक है। फर्स्ट का फर्स्टली होता है, तो फर्स्ट भी होता है और फर्स्टली भी होता है, ठीक है। फर्स्ट भी एडवर्ब है और फर्स्टली भी एडवर्ब है, ये दोनों अलग अलग वर्ड है, ठीक है। तो फर्स्ट में एलवाई ऐड करके हम लोग फर्स्टली नहीं बनाते, बल्कि फर्स्ट और फर्स्टली ये दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं, फर्स्ट और फर्स्टली ये दोनों अलग अलग वर्ड हैं, ठीक है, ये दोनों अलग अलग वर्ड हैं। तो इन पे भी अब हम लोग आते हैं। तो यहाँ तक के अभी तक के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने ये सीखा कि आम तौर पे, सामान्य तौर पे एडजेक्टिव के लास्ट में एल वाई ऐड करके हम लोग इसको बनाते हैं एडजेक्टिव से एडवर्ब, ठीक है। चलिए और एडजेक्टिव को पहचानना हम लोगों ने यहाँ पे सीखा। अब इनके आगे हम लेकर चलते हैं आपको हार्ड हार्डली की तरफ। हार्ड हार्डली की तरफ बढ़ने के पहले हम डिस्कस कर रहे थे ये मैन वाला पार्ट, ये मैन। अब ये देखिए ये मैन क्या है, तो मैन है आपका नाउन, क्या है, ये नाउन है। इसमें अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो नाउन हो और मैन से हम यदि यहाँ पे लिख दिए मैनली,
तो जैसे कि हम लोग अभी थोड़ी देर पहले हम आपको पढ़ा रहे थे कि एडजेक्टिव के लास्ट में एलवाई ऐड करके हम लोग इसको बनाते हैं एडवर्ब। क्या बनाते हैं? तो इसको बनाते हैं एडवर्ब। सिमिलरली नाउन के लास्ट में, कोई भी नाउन हो, नाउन के लास्ट में यदि हम एलवाई ऐड कर दें तो ये एडवर्ब नहीं बनता, बल्कि ये होता है एडजेक्टिव। क्या होता है? ये होता है एडजेक्टिव। इसको आप ध्यान में रखेंगे तो ये आपको पता होना चाहिए कि एलवाई लगा हुआ है तो एलवाई को छोड़ करके एलवाई के पहले वाला जो पार्ट है वो यदि नाउन है तो वो एडजेक्टिव होगा। जैसे आपको यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है मैनली, बात समझ में आ रही है? तो मैनली क्या है? एडजेक्टिव है, न कि नाउन है। इसीलिए आज के इनिशियल में जब हम आपको एडवर्ब पढ़ाना शुरू कर रहे थे तो इसका जब इंट्रो हम आपको दे रहे थे तभी हमने आपको बताया था कि ये बड़ा काफ़ी कन्फ्यूजन से भरा हुआ सेक्शन होता है। क्यों कन्फ्यूजन से भरा हुआ होता है? तो आम तौर पर पब्लिक के माइंड में एक परसेप्शन बन जाता है, एक अवधारणा बन जाती है कि किसी भी वर्ड के लास्ट में एलवाई लगा हुआ हो तो जनरली एलवाई वाले क्या होते हैं? एलवाई वाले सब के सब एडवर्ब होते हैं। और इंग्लिश में हमेशा कुछ भी नहीं होता, सब कुछ भी नहीं होता, टोटली कुछ भी नहीं होता। बात समझ में आ रही है? तो आप इनका विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद हम आपको यहाँ से थोड़ा सा आगे लेकर चलें और अब हम आपको समझाते चलें हार्ड क्या होता है, हार्डली क्या होता है। ये देखिए हार्ड क्या होता है और ये हार्डली क्या होता है। तो इसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझने के लिए हम आपको लेकर चलते हैं बोर्ड पे। देखिए यहाँ पे हम लोग समझना शुरू करें, यहाँ पे हम लोग क्या समझेंगे? तो यहाँ पे हम लोग समझना शुरू करेंगे हार्ड और हार्डली, हार्ड और हार्डली। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? तो सबसे पहले अब कुछ डिफरेंस हम लोग सीखते चले। देखिए इनका डिफरेंस क्या है? तो इनका जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि हार्ड एक पॉजिटिव वर्ड है, हार्डली एक नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, अर्थात हार्डली जिस सेंटेंस में लग जाएगा वहाँ पे उसके सेंस को, उसके मीनिंग को ये नेगेटिव बना देगा। ठीक है, अब चलिए इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और इसमें कुछ सीखते चलिए। तो हार्ड का मीनिंग क्या होता है भाई? तो हार्ड का मीनिंग होता है इट रिक्वायर्स मोर एंड मोर एफर्ट, जिसमें ज़्यादा परिश्रम की, मेहनत की ज़रूरत हो उसको हम लोग कहते हैं हार्ड। और हार्डली का मतलब क्या होता है? ऑलमोस्ट नॉट। हार्डली का मीनिंग क्या होता है? ऑलमोस्ट नॉट। हार्डली का मीनिंग क्या होता है? ऑलमोस्ट नॉट। ठीक है, इस हार्डली के साथ आप एक बार यहाँ पे और कन्फ्यूज होंगे। क्या कन्फ्यूजन होगा भाई आपके साथ? तो आपको एक और कन्फ्यूजन देखने को मिलेगा। अब आपके मन में एक ख्याल आ सकता है और अगर नहीं आ रहा हो तो हम आपको यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहे हैं। आप याद कीजिए कंजक्शन जब हम लोगों ने पढ़ा था तो कंजक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था कि हार्डली स्कैर्सली के साथ क्या यूज़ करते हैं? तो वेन का यूज़ करते हैं। अब आपके दिमाग में ख्याल आएगा सर ये तो कंजक्शन था, ठीक है, तो अब आप इसको यहाँ एडवर्ब में क्यों पढ़ा रहे हैं? और अगर ये एडवर्ब था तो आपने इसको कंजक्शन में क्यों पढ़ाया? आप याद कीजिए जब हम कंजक्शन आपको पढ़ा रहे थे तब भी हमने आपको बताया था कि हम सबों ने पढ़ा है कि ये फ्रॉम क्या है? तो प्रीपोजिशन है। और ये टू क्या है? ये भी प्रीपोजिशन है। अलग अलग दोनों का यदि सेपरेटली यूज़ करें हम लोग तो दोनों के दोनों क्या है? प्रीपोजिशन है। बट इन दोनों का कंबाइंड रूप से जब यूज होता है, इन दोनों का जब कंबाइंड रूप से यूज होता है तो यही काम करते हैं कंजक्शन का। बात समझ में आ रही है? इन द सेम वे हार्डली भी क्या है? एडवर्ब है। ये वेन भी क्या है? एडवर्ब है। ठीक है, और ये दोनों के दोनों जब एक साथ यूज किए जाते हैं तो ये काम करते हैं कंजक्शन का। ठीक है, और फिर इसके बाद हमने आपको यहाँ पे बताया था कंजक्शन में कि यहाँ पे आता है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, बताए थे। चलिए तो इससे बाहर निकलते हैं हम लोग। तो ये था हार्ड और हार्डली। ठीक है, ये था हार्ड और हार्डली का स्टोरी। अब देखिए हार्ड और हार्डली का कुछ एग्जाम्पल भी आपको होना चाहिए। तो आइए हम लोग थोड़ा सा चलते हैं इनके एग्जाम्पल की तरफ, चलते हैं स्लाइड में। इनके कुछ क्वेश्चन को हम लोग सीखने का, समझने का, सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन यहाँ देखिए, जैसे आपको यहाँ क्वेश्चन दिखाई दे रहा है हर सिस्टर इज़ वर्किंग वेरी हार्डली, मतलब उसके सिस्टर जो है नाम मात्र का काम करती है, काम न के बराबर करती है। ठीक है, कुछ और सेंटेंस एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। जैसे ही वॉक्स हार्डली टू पास, ही वॉक्स हार्डली टू पास इन द एग्जाम, टू पास इन द एग्जाम। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ही वॉक्ड हार्ड सो ही फेल्ड इन द एग्जाम। अब आप जरा ध्यान से देखिए इन सारे क्वेश्चंस में, इन दोनों क्वेश्चंस में आपको यहाँ पे स्क्रीन पे सिर्फ और सिर्फ दो ही क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। अब इन दोनों ही क्वेश्चन में आप जरा ध्यान से देखिए हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है। हमें देखने को मिल रहा है ऊपर वाले में हार्डली, नीचे वाले में हार्ड देखने को मिल रहा है। सेंटेंस का टोन जरा देखिए,
ये कोई भी कैंडिडेट है इसको एग्ज़ाम में पास करना है तो एग्ज़ाम में पास करने के लिए हार्डली का यूज़ करें। हार्डली मतलब नाम मात्र का मेहनत करेगा, न के बराबर मेहनत करेगा, न के बराबर मेहनत करेगा। कोई भी कैंडिडेट हो वो यदि एग्ज़ाम के लिए हार्ड वर्क नहीं करेगा, कठिन परिश्रम नहीं करेगा, ज़्यादा मेहनत नहीं करेगा तो क्या वो एग्ज़ाम में पास होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना होगा, इसे हार्डली का एल वाई रिमूव करना होगा। यहाँ पे देखिए, ही वर्कड हार्ड सो ही फेल्ड इन द एग्ज़ाम, ही वर्कड हार्ड सो ही फेल्ड इन द एग्ज़ाम, उसने कठिन परिश्रम किया इसलिए वो एग्ज़ाम में फेल कर गया, ऐसा होगा? नहीं होगा। ये भले हो सकता है कि वो एग्ज़ाम में टॉप नहीं करे बट क्वालिफाई तो कम से कम कर ही सकता है कैंडिडेट, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इस सेंटेंस का टोन कैसा है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव टोन है तो हम लोगों को यहाँ क्या यूज़ करना होगा, हार्ड में एल वाई हम लोगों को ऐड करना होगा, हम लोगों को यूज़ करना होगा हार्ड की जगह हार्डली। ये सारे डाउट आपके क्लियर हो गए। अब इसी तरीके से फर्स्ट और फर्स्टली में भी आपको डाउट पूछा जाता है। आपके एग्ज़ाम में कभी कभी फर्स्ट और फर्स्टली में डाउट क्रिएट होता है। अब देखिए, फर्स्ट का मतलब क्या है, तो फर्स्ट क्या करता है भाई, तो ये सीक्वेंस बताता है, ठीक है। फर्स्ट क्या है, एडजेक्टिव भी है और फर्स्ट क्या है, एडवर्ब भी है, ठीक है। आप जरा ध्यान से सीखिए, फर्स्ट के बारे में हमने जब आपको एडजेक्टिव में पढ़ाया था तो आप याद कीजिए, हमने आपको एडजेक्टिव ऑफ नंबर में बताया था, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये सारे के सारे क्या है, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर हमने आपको बताया था कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर दो प्रकार के होते हैं, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल, ठीक है। कार्डिनल क्या होता है भाई, तो कार्डिनल वो होता है जो आपके संख्या को बताता है, जैसे वन पेन, टू पेन, थ्री पेन, फाइव फिंगर्स वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये क्या था, ये संख्या को बताते हैं। और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्या करता है, ये सीक्वेंस को बताता है। जैसे क्रिकेट हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्रिकेट सबसे ज़्यादा देखते हैं, वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं, दिस इज द फिफ्थ बॉल ऑफ दिस ओवर, दिस इज द लास्ट बॉल ऑफ दिस ओवर, दिस इज द फर्स्ट बॉल ऑफ दिस ओवर, फर्स्ट विकेट, लास्ट विकेट, फिफ्थ विकेट वगैरह वगैरह। तो वो क्या करता है, ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये सब जो वर्ड है ये क्या कर रहे हैं, ये सीक्वेंस को बता रहे हैं। तो सीक्वेंस को बताने का ये काम करते हैं, बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन ये है कि फर्स्ट के लास्ट में हम लोग एल वाई ऐड नहीं करते, क्यों नहीं करते, जैसे हार्ड के लास्ट में हम लोग एल वाई ऐड नहीं करते, क्यों नहीं करते भाई, क्योंकि हार्ड एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। चूँकि एडजेक्टिव में एल वाई हम लोग ऐड करते हैं एडवर्ब बनाने के लिए और वो ऑलरेडी एडवर्ब है, जब वो पहले से ही एडवर्ब है इसलिए उसमें अलग से एल वाई ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और अगर फिर भी लगा दें तो एरर बनता है, ठीक है। अब तो क्या कभी हम लोग फर्स्टली यूज़ नहीं करते, क्या कभी हम लोग फर्स्टली यूज़ नहीं करते, बिल्कुल करते हैं। अब कब करते हैं इसकी भी चर्चा हम आपको करके यहाँ पे दिखाएं, आपको हम सिखाने समझाने का प्रयास करें। देखिए, यदि कहीं भी किसी भी सेंटेंस में आपको दो तरीके से सेंटेंस दिखाई देंगे, आपको दो तरीके से सेंटेंस दिखाई पड़ते हैं, कैसे कैसे दिखाई पड़ते हैं, अब दोनों को आप ज़रा ध्यान से देखिए। यदि कहीं भी किसी भी सेंटेंस में फर्स्ट वर्ड का यूज़ किया गया हो तो आप सिंपली चेक कीजिए इस सेंटेंस के आगे वाले पार्ट में, इस सेंटेंस के आगे वाले पार्ट में सेकेंडली थर्डली इस टाइप का वर्ड यूज़ किया गया है या नहीं, सेकेंडली थर्डली इस टाइप का वर्ड यूज़ किया गया है या नहीं, सेकेंडली थर्डली इस टाइप का वर्ड आगे यूज़ किया गया है या नहीं। तो दो बातें हो सकती है, पहली बात कि इसका यूज़ किया गया हो, दूसरी बात कि इसका यूज़ नहीं किया गया हो, ये दो बातें हो सकती हैं। अब दोनों की चर्चा हम आपके साथ यहाँ पे करते चलें। तो मान लीजिए कि यदि किसी भी सेंटेंस में फर्स्ट या फर्स्टली लिखा हुआ हो तो आपको घबराना नहीं है, यहाँ पे आपको फर्स्ट या फर्स्टली दोनों में से कोई भी दिखाई दे तो आप सिंपली इसके आगे बढ़िए और आगे वाले पार्ट में चेक कीजिए। यहाँ पे आप चेक कीजिएगा, यदि आगे वाले पार्ट में सेकेंडली थर्डली इस टाइप का वर्ड यूज़ नहीं किया गया हो, यदि आगे वाले पार्ट में सेकेंडली थर्डली इस टाइप के वर्ड अवेलेबल नहीं हो तो हम यहाँ पे फर्स्ट में एल वाई ऐड नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे फर्स्ट। क्या यूज़ करेंगे, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फर्स्ट, ठीक है, इसमें एल वाई का यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन यदि किसी भी सेंटेंस में फर्स्ट या फर्स्टली लिखा गया हो, आप आगे बढ़िए चेक कीजिए, यदि आगे वाले पार्ट में सेकेंडली थर्डली इस टाइप के वर्ड अवेलेबल हो तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट का नहीं बल्कि यूज़ करेंगे फर्स्टली का। किसका यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग फर्स्टली का। बात समझ में आ गई, तो ये डाउट भी आपके क्लियर हो गए। अब इन सबों पे बेस्ड ढेर सारे क्वेश्चन अपने पास हैं स्लाइड में, हम लोग स्लाइड में चलेंगे, वहाँ पे इनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। जैसे फर्स्टली यू शुड वर्क हार्ड देन डिजर्व्ड, ठीक है। चलिए, तो ऐसे हम लोग ढेर सारी चीज़ों को सीखेंगे। अब कुछ और चीज़ें हैं हम लोगों को सीखने के लिए, तो उसके लिए हम लोग धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हैं और ढेर सारे क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ने के पहले अब आइए थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को देखते चलें।
श्रुति इज वर्किंग वेरी हार्डली एज द एग्जामिनेशंस फास्ट अप्रोचिंग, जैसे हम लोगों का एग्जाम जो है वो फास्ट अप्रोच कर रहा है, बहुत जल्दी आ रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए हम लोगों को क्या यूज़ करना चाहिए, आप बताइए यहाँ पे हम लोगों को हार्ड यूज़ करना चाहिए या हार्डली। श्रुति इज़ वर्किंग वेरी हार्डली, एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है तो आप मेहनत ज़्यादा कीजिएगा या मेहनत न के बराबर कीजिएगा, तो जाहिर सी बात है आप मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहेंगे, तो यहाँ हम लोग क्या करें एल वाई को रिमूव कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन में चलते हैं, हर सिस्टर इज़ वर्किंग वेरी हार्डली, वेरी हार्किंग हार्डली की जगह क्या करें हार्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखिए, लास्ट नाइट दे रिटर्न्ड, लेटली नहीं लेट, वेरी लेट, कल रात को या पिछले रात को वो लोग कैसे आए, तो वो लोग काफ़ी लेट आए। यहाँ देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आप में से मैक्सिमम लोग यहाँ पे लड़खड़ाते हुए नज़र आते हैं, मैक्सिमम लोग इसमें गलती करते हैं, मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन में गलती करते हैं। हम बोर्ड से थोड़ा पीछे आते हैं, यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास करें। देखिए ओल्ड हैबिट्स डाई हार्डली, ये सुनने में यूज़ करने में देखने में हर प्रकार से ये सेंटेंस बिल्कुल सही लगता है, बट ये सेंटेंस गलत है। कैसे गलत है, देखिए ओल्ड हैबिट्स डाई हार्डली का मीनिंग है कि पुरानी आदतें जाती ही नहीं। इसका मीनिंग क्या है, यदि आप यहाँ पे हार्डली का यूज़ करेंगे तो इसका मीनिंग ये निकलता है कि पुरानी आदतें जाती ही नहीं, लेकिन पुरानी कोई भी आपकी आदत हो वो सारी आदतें चली जाती हैं। जैसे सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मिस्टर अमिताभ बच्चन किसी ज़माने में चेन स्मोकर हुआ करते थे, लेकिन अब वो स्मोकिंग छोड़ दिए, ठीक है, बात समझ में आ रही है। मिस्टर संजय दत्त आपने नाम सुना होगा, तो मिस्टर संजय दत्त भी बहुत स्मोकिंग किया करते थे, दुनिया का लगभग हर प्रकार का ड्रग्स वो यूज़ कर चुके, ठीक है, और हाईली एडिक्टेड पर्सन थे, लेकिन अब वो एडिक्शन छोड़ दिए, अब उन्होंने एडिक्शन छोड़ दिया, अब वो स्मोकिंग नहीं करते, बात समझ में आ रही है। तो क्या किसी को भी जिस चीज़ की आदत लग जाती है वो आदत के आसानी से जाती है, नहीं जाती है, बट इरादे अगर बुलंद हो, आपका इरादा स्ट्रांग हो, विल पावर आपका स्ट्रांग हो कि नहीं मुझे इस चीज़ को छोड़ना ही है, ये बुरी लत है, बुरी आदत है, इसको मुझे रिमूव करना है, छोड़ना है, त्यागना है, तो आप उसको कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए काफ़ी मशक्कत करना पड़ता है, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे एल वाई का यूज़ नहीं होगा, यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे एल वाई को रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट, यस स्टडीड सो हार्डली ही वॉज श्योर ऑफ पासिंग, मतलब वो इतना ज़्यादा हार्ड वर्क कर लिया है कि वो सुनिश्चित है कि मैं एग्ज़ाम में तो पास करूँगा ही करूँगा, तो ऐसे सेंस में हम लोग हार्डली का यहाँ से एल वाई क्या करेंगे रिमूव कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को और देखते हैं। यहाँ देखिए हार्डली बॉर्न की जगह क्या होगा हार्ड बॉर्न, जैसे जब भी कभी 15 अगस्त 26 जनवरी आता है तो हम लोग भाषण देते आ रहे हैं, बचपन से सुनते भी आ रहे हैं कि हम लोगों को जब तक शरीर में आखिरी सांस है, खून का एक कतरा भी बचा हुआ है, जब तक जीवित हैं तब तक हम लोगों को क्या करना चाहिए, तो अपने स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा किए गए कड़े मेहनत के बावजूद जो हम लोगों को आज़ादी मिली है उसको बचाने का हर संभव प्रयास करना चाहिए, ठीक है। तो हार्डली वॉन फ्रीडम नहीं हार्ड वॉन फ्रीडम, ठीक है, हार्डली वॉन फ्रीडम नहीं हार्ड वॉन फ्रीडम। तो अब इस प्रकार से आशा करते हैं कि ऐसे सारे क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। एक लास्ट वाले क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे फिर है लेटली एट नाइट की जगह क्या यूज़ करेंगे, लेट एट नाइट, ठीक है। तो अब आप इस प्रकार के क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ से थोड़ा आगे निकलते हैं, इन सारे क्वेश्चन में भी देखिए वही सारी बातें हैं, हार्डली वाली, और ये देखिए लास्ट वाले बैडली लगा हुआ है, लास्ट वाले को थोड़ा हम लोग देखें, सेकंड लास्ट वाले को भी देखते हैं। गुरु रैन सो फास्टली, ठीक है, अब ये फास्टली नहीं फास्ट होगा, बोल चाल में भले ही हम लोग यूज़ करते हैं फास्टली, बट ये स्पोकन में चल सकता है, ये ग्रामर में रिटेन में एक्सेप्टेबल नहीं। अब यहाँ देखिए बैडली की जगह क्या यूज़ करेंगे, वेरी बैड डिज़ाइंड, बैड होगा या बैडली होगा, इसको थोड़ा एक बार फिर हम लोग सेंटेंस पढ़ते हैं। द डिस वॉशर लुक्स गुड बट इट इज़ वेरी बैडली डिज़ाइंड होगा, अब चूँकि डिज़ाइंड क्या है, तो डिज़ाइन है वर्ब, डिज़ाइंड क्या है वर्ब है, तो वर्ब को क्वालिफाई करना है, इसलिए हम लोग यहाँ बैड का यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे बैडली का, ये सेंटेंस करेक्ट है। और आगे पढ़ के देखें, एंड डज नॉट वर्क गुड, ठीक है, तो डज नॉट वर्क गुड, तो यहाँ वर्क गुड नहीं, यहाँ पे होगा वेल, डज नॉट वर्क वेल, ठीक है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अब इसके बाद कुछ और नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उर्वशी फर्स्टली, ये देखिए फर्स्ट और फर्स्टली अभी जो हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे, उर्वशी फर्स्टली, अब देखिए यहाँ पे जैसे ही आपको फर्स्टली दिखाई दिया अब आपको नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे जैसे ही आपको फर्स्टली या फर्स्ट दिखाई पड़ता है आपको नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। सेंटेंस का मीनिंग भी क्या है इससे भी आपको कोई मतलब नहीं, आप सिंपली सेंटेंस में आगे बढ़िए और चेक कीजिए आगे वाले पार्ट में क्या कहीं भी सेकेंडली थर्डली इस टाइप के वर्ड अवेलेबल है। यहाँ देखिए सेकेंडली अवेलेबल है, सेकेंडली अवेलेबल है, तो ये फर्स्टली होगा, अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा नो एरर।
नेक्स्ट सेकंड वाले क्वेश्चन में चले हम लोग। यहाँ देखिए, फर्स्टली यू शुड थिंक ओवर द मीनिंग। तो फर्स्टली आगे चेक कीजिए, क्या आगे किसी भी पार्ट में कहीं भी आपको सेकंडली थर्डली टाइप का वर्ड अवेलेबल दिखाई दिया? नहीं दिया, नहीं दिया। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लोग इस क्वेश्चन में यहाँ जो एल वाई लगा हुआ है फर्स्ट में, इसको हम लोग सिंपली रिमूव कर देंगे, आंसर मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब यहाँ देखिए, यहाँ हम लोगों को पढ़ना ये क्या कॉन्सेप्ट है भाई नया सा। तो याद कीजिए, जब हम आपको टेंस पढ़ा रहे थे तो टेंस पढ़ाते समय हमने आपको वर्ब ऑफ परसेप्शन पढ़ाया था। ठीक है, हमने आपको बताया था कि कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनमें आईएनजी का यूज़ हम लोग नहीं करते। ठीक है, याद आ रहा है? याद नहीं आ रहा हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो टेंस का सेकंड या थर्ड स्लाइड होगा, टेंस पार्ट टू होगा, आप उसको ज़रूर से रीड कर लीजिएगा। टेंस पार्ट टू में ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए वहाँ पे हमने आपको बताया था कि वर्ब ऑफ परसेप्शन, वर्ब ऑफ सेंसेशन, वर्ब ऑफ इमोशन, वर्ब ऑफ थिंकिंग, वर्ब ऑफ माइंड, ऐसे बहुत सारे वर्ब हैं जिसमें आईएनजी का यूज़ हम लोग नहीं करते, जिसमें आईएनजी लगाकर उसका यूज़ हम लोग किसी भी टाइप के कंटिन्यूअस में नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ भी हम आपको बताएंगे ऐसे कौन कौन से वर्ब हैं। तो सारे के सारे वर्ब ऑफ परसेप्शन, किसी भी वर्ब ऑफ परसेप्शन के साथ हम लोग एडजेक्टिव का यूज़ नहीं करते। किसका, सॉरी, किसी भी वर्ब ऑफ परसेप्शन को क्वालिफाई करने के लिए, किसी भी वर्ब ऑफ परसेप्शन को क्वालिफाई करने के लिए हम लोग एडवर्ब का यूज़ नहीं करते, बल्कि हम लोग यूज़ करते हैं एडजेक्टिव का। देखिए ये कब होता है, कैसे होता है, कब से होने लगा ऐसा, इन पे भी थोड़ी बहुत हम आपको चर्चा करते चलें। देखिए हमने आपको पहले भी बताया, आज के क्लास में भी हमने आपको बताया कि कुछ भी हमेशा नहीं होता, इंग्लिश में हमेशा कुछ भी नहीं होता। तो जैसा कि एडवर्ब का डेफिनेशन है, इट क्वालिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, सेंटेंस एंड क्लॉज, ऐसा हमने आपको बताया, आप बुक में भी पढ़ सकते हैं। एडजेक्टिव के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है भाई, तो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। ठीक है, यही सभी बुक्स में हम लोगों को देखने को मिलता है, और उसी का ये एक्सेप्शन बताया जाता है। अब देखिए एक्सेप्शन कुछ है नहीं, इसका लॉजिक है। क्या लॉजिक है भाई, तो इनका सिंपल सा लॉजिक है कि ये जो वर्ब ऑफ परसेप्शन है और कुछ और भी वर्ब होते हैं जो कॉमनली हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वर्ब ऑफ परसेप्शन अगर आपको कहीं भी मिलेगा तो उसके साथ आपको एडजेक्टिव का यूज़ करना है, न कि एडवर्ब का यूज़ करना है। जैसे यहाँ पे आप देखिए, ये बोलचाल में भी आप बहुत सही यूज़ करते हैं, एकदम सही सही आप इसका यूज़ कर पाते हैं स्पोकन में भी। अब देखिए कैसे, यहाँ देखिए द रोज स्मेल्स स्वीटली, अब ये देखिए ये स्मेल क्या है, ये है वर्ब ऑफ परसेप्शन। ये टेस्ट क्या है, ये है वर्ब ऑफ परसेप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्वीटली का यूज़ हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग किसका यूज़ करेंगे, स्वीट का यूज़ करेंगे। ठीक है, और इसी प्रकार से यहाँ देखिए द फूड टेस्ट डिलीशियसली, अब ये देखिए डिलीशियसली के लास्ट में क्या लगा हुआ है, एलवाई, एलवाई के पहले क्या है, ये ओ यू एस है, तो ये क्या हो गया, डिलीशियस क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एलवाई इसका रिमूव कर देंगे। अब आप रिलेटेड ऑप्शन देख लीजिएगा, जो ऑप्शन होगा उसके अकॉर्डिंग आप इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा हम लोग क्यों कर रहे थे, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों है वर्ब ऑफ परसेप्शन। क्या है, वर्ब ऑफ परसेप्शन। ठीक है, यहाँ से कुछ और आगे लेकर चलते हैं। यहाँ पे आप देखिए ये कुछ ऐसे वर्ब हैं, ये सारे के सारे, देखिए ये सारे के सारे ऊपर वाले क्या हैं, ये सारे के सारे हैं वर्ब ऑफ परसेप्शन। तो कोई भी वर्ब ऑफ परसेप्शन हो, वर्ब ऑफ परसेप्शन, सेंसेशन, इमोशन, जिसमें हम लोग आईएनजी यूज नहीं करते, ऐसे कोई भी वर्ब, या उसके अलावा आपके एग्जाम में और आपको जो दिखाई पड़ते हैं वो होगा रिमेन, लुक, स्टे, टर्न और प्रूफ। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, आपको केवल ये याद करना होगा। वर्ब ऑफ परसेप्शन आप पहले समझ चुके हैं, तो इनके साथ यहाँ पे आपको क्या यूज़ करना होगा, आपको यूज़ करना होगा एडजेक्टिव न कि एडवर्ब। ठीक है, एडजेक्टिव यूज़ करना होगा न कि एडवर्ब यूज़ करना होगा। आप इन वर्ड को याद रखिए, रिमेन, लुक, स्टे, टर्न एंड प्रूव। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं, कुछ और नई चीज़ों को सीखने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखिए सी इज़ ऑलवेज सिंसियर, अब हम लोगों को यहाँ पे क्या देखने को मिला, पहले आप दोनों सेंटेंस को पढ़िए और इन सेंटेंस में आप वर्ब को पहचानने का प्रयास कीजिए। ये देखिए ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और देखिए आनंद इज़ नेवर काइंड, नेवर काइंड, अब ये काइंड क्या है, एडजेक्टिव है। नेवर क्या है, ये नेवर क्या है, तो एडवर्ब है। नेवर क्या है, एडवर्ब, जिसकी चर्चा आज ही के क्लास में हमने थोड़ी देर पहले आपके साथ करी थी। ऑलवेज, एवर, नेवर, ये बता रहे थे आपको जो हम लोग टेंस में पढ़े थे। तो ये सब के सब क्या है, ये सब के सब होते हैं एडवर्ब। ठीक है, अब इनको देखिए थोड़ा सा, इनके साथ क्या है, विडंबना की बात क्या है इनके साथ, इनमें हम लोगों को क्या सीखना है। यहाँ भी थोड़ा सा देखिए, यहाँ भी हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, तो ये देखिए ये क्या है, तो ये हमारा मेन वर्ब, ये क्या हमारा मेन वर्ब। इसमें देखिए ये क्या हमारा, तो ये हमारा मेन वर्ब। अब इन सब में हम लोग सीखेंगे क्या, यहाँ पे हम मेन वर्ब की चर्चा क्यों कर रहे हैं,
हम पढ़ाने चले थे आपको एडवर्ब और ये हम आपको सिखाने लगे वर्ब। ये क्या हो रहा है सर? ये देखिए ये क्या है, तो ये ऑलवेज है एडवर्ब। ये क्या है? ये है एडवर्ब। क्योंकि नियर क्या है? नियर प्रेपोजिशन भी है, नियर एडजेक्टिव भी है, ठीक है। तो एडजेक्टिव के लास्ट में एलवाई ऐड करके हम लोग क्या बना दिए? एडवर्ब बना दिए। तो नियर से बन गया नियरली, ठीक है। ऐसे अभी और आपको ढेर सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। यहाँ भी देखिए आपको क्या देखने को मिल रहा है, तो ये क्या है आपका? हैज़ क्या है? तो हैज़ है आपका हेल्पिंग वर्ब। ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये क्या है? तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कहिए या ऑक्सिलियरी वर्ब कहिए। ऑक्सिलियरी और हेल्पिंग को आप में से बहुत सारे लोग अलग अलग पढ़े हैं। ऑक्सिलियरी वर्ब जो है उसी को कहते हैं हेल्पिंग, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर मॉडल ऑक्सिलियरी अलग है। हाँ, मॉडल ऑक्सिलियरी अलग है। ऑक्सिलियरी दरअसल एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है हेल्पर असिस्टेंट, ठीक है। तो ऑक्सिलियरी वर्ब का मीनिंग होता है हेल्पिंग वर्ब। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक सिंपल जिसमें हम लोग इज एम आर हैज हैव ये सब पढ़ते हैं, डूडल्स पढ़ते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है मॉडल जिसके साथ वर्ब का फॉर्म कभी चेंज नहीं करता। लेकिन ये ऐसे हेल्पिंग वर्ब होते हैं, सिंपल हेल्पिंग वर्ब हम लोग उस हेल्पिंग वर्ब को कहते हैं जिनका फॉर्म या जिनका जो फॉर्मेट है या जो अपने आप को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग जो चेंज होता है उस हेल्पिंग वर्ब को हम लोग कहते हैं सिंपल हेल्पिंग वर्ब, और जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता उसको हम लोग कहते हैं मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब, ठीक है। बात समझ में आ रही है? चलिए अब यहाँ पे देखिए हम लोगों को यहाँ पे सीखना क्या है। तो ये था हमारा हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है? ये हमारा मेन वर्ब। ये कैन क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ये डू क्या है यहाँ पे? ये डू है यहाँ पे मेन वर्ब, ठीक है। बात समझ में आ रही है? और ये ऑलमोस्ट क्या है? एडवर्ब है। ऑलमोस्ट क्या है? एडवर्ब। एडीवी बोले तो एडवर्ब। ये नेवर क्या है? एडीवी बोले तो एडवर्ब। मतलब कुछ समझ में आ नहीं रहा है सर, तीन स्लाइड दिखा दी और तीन स्लाइड में लिख रहे हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये एडवर्ब। आप बताना क्या चाहते हैं? दरअसल इसके माध्यम से हम लोग सीक्वेंस ऑफ एडवर्ब को पढ़ेंगे। एडवर्ब का प्लेस कहाँ है ये हम लोग पढ़ेंगे। एडवर्ब कहाँ कहाँ आता है, तो हमने आपको आज के क्लास में बिगनिंग में ही बताया कि एडवर्ब सेंटेंस में कहीं भी आ सकता है। वो बिगनिंग में आ सकता है, वो मिडिल में आ सकता है, वो एंडिंग पोजिशन पर आ सकता है, सेंटेंस के आखिर में यहाँ पर लगा हुआ हो सकता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे हम आपको सिर्फ उतनी ही बात सिखाने का प्रयास कर रहे हैं जितने से आपके टीयर वन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो टीयर वन की जो कहानी है वो यहाँ से शुरू होती है। अब यहाँ से कहानी क्या शुरू होती है भाई, इसको हम आपको बताते चले। देखिए, यदि सेंटेंस में केवल एक वर्ब हो, सिंगल वर्ब हो, इज एम आर, वॉज वर, इज एम आर या वॉज वर, इन पाँचों में से कोई भी हो, वॉज वर, इन पाँचों में से कोई भी हो, ठीक है, तो एडवर्ब का यूज़ हम लोग करते हैं इनके बाद, एडवर्ब का यूज़ करते हैं इनके बाद, ठीक है। इस बात को आप ध्यान दीजिए, इज एम आर वॉज वर यदि आपको सेंटेंस में कहीं भी सिंगल वर्ब के रूप में दिखाई दे तो हम लोग एडवर्ब इसके पहले नहीं बल्कि एडवर्ब को लिखते हैं इसके बाद। एडवर्ब को इसके पहले नहीं लिखते हैं, एडवर्ब को इसके बाद, ठीक है। बात समझ में आई? उसी का एग्जांपल आप देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ये इज़ क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो देखिए इन पांचों में से एक आ गया ये इज़। अब ये ऑलवेज क्या था? एडवर्ब था। ये इज़ के पहले नहीं, सी ऑलवेज इज़ सिंसियर हम नहीं कह सकते। सी ऑलवेज इज़ सिंसियर कहेंगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसका सिक्वेंस इस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए ऑलवेज को रखा गया है इज़ के बाद, यहाँ भी देखिए इज़ के बाद रखा गया। तो इज़ एम आर वॉज वर इन पांचों में से कोई भी हो, एडवर्ब को हम लोग रखते हैं उसके बाद, ठीक है। चलिए यहाँ से आगे चलते हैं। अब ये काइंड को आप नाउन मत समझ लेना, एडजेक्टिव मत समझ लेना। देखिए दरअसल काइंड होता क्या है? दरअसल काइंड होता है एडजेक्टिव। अब ये यहाँ पे काम कर रहा है नाउन का, किसका काम कर रहा है? ये काम कर रहा है यहाँ पे नाउन का। कैसे काम कर रहा है? तो ये देखिए टू क्या है? टू है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद भी नाउन आता है, प्रेपोजिशन के पहले भी नाउन आता है। तो दरअसल है ये एडजेक्टिव बट यहाँ पे काम कर रहा है ये नाउन का, ठीक है। चलिए तो अभी इससे हमें कोई मतलब है नहीं। अब हम लोग यहाँ पे सीखें। देखिए अब यहाँ पे हम लोगों को सीखना ये है, क्या सीखना है भाई? तो यहाँ पे हम लोगों को ये सीखना है कि यदि कहीं भी सेंटेंस में सिर्फ एक वर्ब हो, सेंटेंस में सिंगल वर्ब हो, कैसा वर्ब हो? सिंगल वर्ब हो, और वो वर्ब कैसा हो? मेन वर्ब हो। तो मेन वर्ब हो क्या हो? कहीं भी आपको मेन वर्ब हो और ये इकलौता वर्ब हो, सिंगल वर्ब के रूप में इसका यूज किया गया हो सेंटेंस में, इसके अलावा कोई दूसरा वर्ब सेंटेंस में अवेलेबल नहीं हो, तो ऐसे कंडीशन में एडवर्ब उसके बाद नहीं बल्कि एडवर्ब लिखा जाता है इसके पहले। कहाँ लिखा जाता है? मेन वर्ब के पहले लिखा जाता है। बात समझ में आई? तो इज़ एम आर वॉज वर्ब के साथ कहाँ आता है?
तो उसके बाद आता है। यदि सेंटेंस में केवल मेन वर्ब अवेलेबल हो, सिंगल वर्ब अवेलेबल हो, केवल और केवल मेन वर्ब हो, तो एडवर्ब लिखा जाएगा मेन वर्ब के पहले। ठीक है, बात समझ में आ गई। यहाँ पे देखिए यही आपको दिखाई दे रहा है, ये मिस्ड क्या है, मेन वर्ब के पहले। प्लेस क्या है, मेन वर्ब इसके पहले। अर्थात इन दोनों ही सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं इस रूल को फॉलो किया गया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से और आगे बढ़ते हैं। और अब हम लोग यहाँ पे देखें तो ये तो बात हो गई कि ठीक है सर, हेल्पिंग वर्ब हो तो कहाँ पे आएगा, मेन वर्ब हो तो कहाँ पे आएगा। अब यदि किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब भी अवेलेबल हो, मेन वर्ब भी अवेलेबल हो, हेल्पिंग वर्ब भी अवेलेबल हो, मेन वर्ब भी अवेलेबल हो, दोनों अवेलेबल हो, तो हम लोग क्या करें वहाँ पे? तो ऐसे सिचुएशन पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं और कहाँ पे एडवर्ब का यूज़ करेंगे? तो देखिए इसके लिए हम यहाँ पे नीचे में लिख रहे हैं, यदि सेंटेंस में कहीं भी हेल्पिंग वर्ब या कोई भी मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब, कोई भी मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब अवेलेबल हो, कोई भी मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब अवेलेबल हो, और उसी सेंटेंस में कहीं भी आपको मेन वर्ब भी अवेलेबल हो, उसी सेंटेंस में कहीं भी आपको मेन वर्ब भी अवेलेबल हो, मेन वर्ब भी अवेलेबल हो, ये दोनों ही अवेलेबल हो, तो हम लोग एडवर्ब का यूज़ करते हैं इन दोनों के बीच में। कहाँ पे एडवर्ब का यूज़ करेंगे? दोनों के बीच में, अर्थात एडवर्ब का यूज़ हम लोग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब इन दोनों के बीच में करते हैं। ठीक है, ऊपर के सारे एग्जांपल्स को आप देख सकते हैं। ये कैन क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ये डू क्या है, मेन वर्ब है। इन दोनों के बीच में देखिए ये क्या लगा हुआ है, एडवर्ब लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ देखिए हैज़ क्या है, हैज़ है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे बिन काम कर रहा है मेन वर्ब का। ठीक है, तो ये मेन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब, एडवर्ब कहाँ लिखा हुआ है, बीच में। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब यहाँ से आगे चलते हैं, कुछ और नई चीज़ों को हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। अब हम लोग सीखें, यदि किसी भी सेंटेंस में दो दो हेल्पिंग वर्ब हो, यदि किसी भी सेंटेंस में दो दो हेल्पिंग वर्ब हो और उसके साथ एक मेन वर्ब भी अवेलेबल हो, इसके साथ एक मेन वर्ब भी अवेलेबल हो, ये भी अवेलेबल हो और दो दो हेल्पिंग वर्ब भी अवेलेबल हो, ऐसा यदि आपको कहीं भी देखने को मिले तो अब आप फिर कन्फ्यूज होते हैं, हम लोग एडवर्ब का यूज़ कहाँ करें, एडवर्ब को हम कहाँ लिखें, यहाँ लिखें या इनके पहले लिखें कि मेन वर्ब के बाद में लिखें। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग एडवर्ब को लिखते हैं इनके बीच में, कहाँ लिखते हैं, दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में लिखते हैं। एडवर्ब का यूज़ दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में किया जाता है। आप देखिए ऊपर वाले सेंटेंस में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, तो ये हैव क्या है, ये है हमारा हेल्पिंग वर्ब, ये बिन क्या है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब, ये इनवाइटेड क्या है, ये हमारा मेन वर्ब। ठीक है, तो देखिए ये मेन वर्ब भी आ गया, ये हेल्पिंग और ये हेल्पिंग, दो दो हेल्पिंग वर्ब आ गए, तो ये एडवर्ब है। ये बीच में क्या यूज़ किया गया, ये बीच में है एडवर्ब। बात समझ में आ गई, क्लियर है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ों को हम लोग सीखने का प्रयास करें। अब देखिए इसके अलावा आपके एग्ज़ाम में एक और क्वेश्चन देखने को मिलता है, और ये 2-2 के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में दो जगहों पे देखने को मिलता है, या तो ये फिल इन द ब्लैंक्स में मिलता है या ये सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में देखने को मिलता है। कभी कभी ये रेयर केस में कॉमन एरर में दिखाई पड़ता है। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसको जरा आप ठीक से समझिए। जैसे बचपन से हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है, क्या पढ़ा है भाई, He is too weak to walk। अब आप ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हम लोगों को देखने को क्या क्या मिल रहा है, इसको ज़रा आप सीरियसली समझने का प्रयास कीजिए। ये देखिए आपको टू देखने को मिला, तो टू का पार्टनर है टू, ये टू टू का पेयरिंग चलता है, और यदि इसी टू को हम लोग रिमूव करते हैं तो रिमूव टू में इसी को पढ़ते हैं हम लोग। रिमूव टू में हम लोग क्या पढ़ते हैं, He is so weak that he cannot walk। ऐसा हम लोग पढ़ते हैं, ये बात आपको समझ में आती है। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है, क्वेश्चन में क्या क्या आपको डाल के आपको ट्रैप करने का प्रयास किया जाता है, तो आपके एग्जाम में जब भी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसके साथ ये दिया हुआ दिखाई देगा। ठीक है, या फिर दूसरा आपको देखने को मिलेगा कि इसके साथ आपको ये देखने को मिलेगा, तो इनकी और इनकी आपको पेयरिंग देखने को मिलती है। अब इस प्रकार का जब भी कभी कन्फ्यूजन आपके एग्ज़ाम में दिखाई दे तो आप इसको कैसे ठीक करेंगे, तो आप चेक करेंगे इस दैट के अकॉर्डिंग या इस टू के अकॉर्डिंग। यदि आगे वाले पार्ट में दैट का यूज़ किया गया है और इधर टू लिखा हुआ है, तो टू को चेंज करेंगे हम लोग
यहाँ पे अगर दैट लिखा हुआ और यहाँ पे टी डबल ओ टू लिखा हुआ तो इस टू को हम लोग सो में चेंज करेंगे, और आगे अगर टू लिखा हुआ हो यहाँ पे अगर आपको सो दिखाई पड़े तो इस सो को हम लोग टी डबल ओ टू में कन्वर्ट करेंगे। बात समझ में आ गई, इतना सिंपल सा इसका फंडा होता है। नेक्स्ट, अब इसके आगे हम लोग चलते हैं, एक और क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था कहाँ पे, प्रोनाउन में, ठीक है। अब इनका क्या कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग सीखें। देखिए आपको यहाँ पे दो सेंटेंस गिवन रहेगा, दो सेंटेंस आपको गिवन रहेगा। पहला सेंटेंस कैसा रहेगा, नेगेटिव। पहला सेंटेंस कैसा रहेगा, नेगेटिव। और ये जो दूसरा सेंटेंस है इसका टोन भी रहेगा नेगेटिव। इसका टोन कैसा रहेगा, इसका टोन रहेगा नेगेटिव। अब जब इसका टोन नेगेटिव होता है तो इसके एंडिंग में आप यहाँ पे देखिएगा कि सेंटेंस के लास्ट में आखिर में कभी कभी आपको इधर दिखाई पड़ता है, आइधर दिखाई पड़ता है, कभी कभी आपको नाइधर दिखाई पड़ता है। तो इधर या नीधर कहें या आइधर और नाइधर कहें, ये जब आपको दिखाई पड़ता है, और कभी आप देखेंगे कि आपका दिल बताएगा कि यहाँ पे नाइधर लगाएं, आंसर में आइधर लिखा हुआ रहेगा। कभी आपका दिल करेगा कि आइधर लगाएं, आंसर में नाइधर लिखा हुआ रहेगा। आप यहाँ पे कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, आप कैसे इसको ठीक तरीके से यूज कर सकते हैं ये हम आपको यहाँ पे सिखाते हैं। ये सारे के सारे एडवर्ब के कॉन्सेप्ट हैं। अब देखिए पहला पार्ट कैसा है, तो पहला पार्ट है नेगेटिव, और दूसरा पार्ट का जो टोन है वो कैसा रखना है, तो दूसरा पार्ट का टोन भी है नेगेटिव। इसका नेगेटिव टोन है लेकिन सेंटेंस पॉजिटिव लिखा हो, टोन इसका नेगेटिव है लेकिन सेंटेंस कैसा लिखा हो, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिटाते चले, टोन इसका नेगेटिव रहेगा। टोन कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। टोन इसका कैसा रहेगा, तो इसका टोन रहेगा नेगेटिव, नेगेटिव टोन रहेगा, ठीक है। बट सेंटेंस कैसा हो, सेंटेंस कैसा हो, अब सेंटेंस पे ये डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, तो ये डिपेंड करेगा सेंटेंस पे। यदि सेंटेंस पॉजिटिव हो, सेंटेंस कैसा हो, पॉजिटिव हो, सेंटेंस कैसा हो, पॉजिटिव हो, तो लास्ट में हम लोग नीदर का यूज करेंगे या नाइदर का यूज करेंगे, नीदर या नाइदर का यूज करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है। लेकिन यदि सेंटेंस जो है वो नेगेटिव हो, सेंटेंस कैसा हो, नेगेटिव हो, सेंटेंस नेगेटिव हो, तो फिर उसमें नाइदर का यूज़ अगर हम लोग करेंगे तो डबल नेगेटिव का एरर क्रिएट होगा। उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो उससे बचने के लिए यहाँ पे हम लोग आइदर का यूज़ करते हैं। हम लोग किसका यूज़ करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे आइदर का, ठीक है। किसका यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग उससे बचने के लिए यूज़ करेंगे आइदर का, ठीक है। बात समझ में आ रही है। चलिए अब यहाँ से आगे निकलते हैं हम लोग। अब आ जाइए यहाँ पे, देखिए सबसे पहले नीचे वाले सेंटेंस को देखें, ये छोटा सा सेंटेंस है, आपको तुरंत ज़्यादा सा समझ में आएगा। ये देखिए, विट इज़ नॉट नेटिव टू इंडिया, ये एक सेंटेंस हो गया, ये कंजक्शन है, दूसरे सेंटेंस को ऐड कर रहा है, ठीक है। तो गेहूँ जो है वो इंडिया का नेटिव नहीं है, और इसी प्रकार से बार्ली भी इंडिया का नेटिव नहीं है। तो देखिए पहला सेंटेंस जो था इसका टोन कैसा है, इसका ये सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव, और दूसरे सेंटेंस का टोन भी कैसा है, ये भी नेगेटिव है, ठीक है। तो नेगेटिव है। अब देखिए यहाँ पे नॉट आपको दिखाई नहीं दे रहा है, नॉट दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम लोग क्या यूज़ कर लें, नाइदर का यूज़ कर लें। या दूसरा काम है कि यदि बीच में हम लोग नॉट का यूज़ कर लें, बीच में यदि हम लोग किसी नेगेटिव वर्ड का यूज़ कर लें, तो लास्ट में क्या यूज़ करना होगा, आइदर का यूज़ करना होगा। अब देखिए इज़ आइदर, तो ये होगा नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, टोन है इसका नेगेटिव, तो ये सूट ही नहीं करेगा। नो इम्प्रूवमेंट हो नहीं सकता, क्योंकि ये फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। अब यहाँ देखिए इज़ नाइदर, ये हो सकता है, इज़ लगा दें और नाइदर लगा दें, तो सेंटेंस लिखा गया पॉजिटिव और टोन हो जाएगा नेगेटिव। दूसरा इज़ नॉट आइदर, ये देखिए यहाँ पे नॉट लग गया, नॉट लग गया तो आइदर आ जाएगा। अब ये दोनों ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए और सी, दोनों ही ऑप्शन कैसे हैं, दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। अब ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं, तो अब आप में से कई बच्चों को कन्फ्यूजन होगा कि अब यदि ये सेम क्वेश्चन आ जाए, ये आपके एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, इस सेम क्वेश्चन को हमने आपके साथ प्रोनाउन में भी डिस्कस किया था, तो वहाँ पे भी हमने आपको बताया था। तो ऐसे सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए या ऐसे कन्फ्यूजन भरे सेक्शन में जिसके दो दो ऑप्शन करेक्ट हों, हम किसको करेक्ट आंसर करें अपने रियल एग्जाम में, ठीक है। तो अब ऐसे सिचुएशन में जो ऑप्शन पहले दिखाई पड़ता है सीक्वेंस में, उसको हम लोग करेक्ट मानते हैं। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, हमारा आंसर बन जाएगा इज़ नॉट आइदर, ठीक है। क्या आंसर बनेगा, इज़ नॉट आइदर, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन या तो आपके एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे, और जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो ये क्वेश्चन चला जाता है, और इसी के कारण एसएससी बोर्ड को जाना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट में। और तब ऐसे सिचुएशन में चूंकि दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं, तो कुछ बच्चे आंसर करते हैं ए को, कुछ बच्चे आंसर करते हैं सी को। तो जो बच्चा इन दोनों में से किसी भी ऑप्शन को टच किया होगा या आंसर के रूप में सेलेक्ट किया होगा, उनको फुल मार्क्स दिया जाता है, ठीक है।
और जो बच्चे बी और सी को किए होंगे उनको आंसर नहीं दिया जाता, उनका आंसर गलत होगा, तो उनके साथ माइनस मार्किंग का कॉन्सेप्ट काम करेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए तो अब हम लोग यहाँ से आगे निकलते हैं, और अब हम आपको यहाँ पे बता रहे थे ऊपर वाले क्वेश्चन में, वन हु परपिचुअली हेजिटेट। अब देखिए हेजिटेट करना क्या, एक नेगेटिव अप्रोच है, इंसान का एक नेगेटिव हैबिट है। हेजिटेट्स विच ऑफ द टू थिंग्स ही विल डू फर्स्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो लगातार हिचकिचाता है, संकोच करता है कि दो काम में से हम किसको पहले करें, विल अल्टीमेटली डू नाइदर, वो दोनों में से किसी को नहीं कर पाता। अब देखिए दोनों में से किसी को नहीं कर पाता, पहला सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव है, नेगेटिव या नेगेटिव वर्ड डाला हुआ है यहाँ पे, हेजिटेट्स, ठीक है। और दूसरा सेंटेंस कैसा है, ये देखिए जो सेकेंड सेंटेंस है वो कैसा है, तो यहाँ देखिए सेकेंड सेंटेंस कहाँ से शुरू हो रहा है हमारा, विल यहाँ से, तो दूसरा जो सेंटेंस या क्लॉज है वो यहाँ से शुरू हो रहा है। अब ये देखिए ये यहाँ तक क्या है, यहाँ तक ये पॉजिटिव है, इसलिए इसमें नाइदर का यूज़ कर लिएगा सेंटेंस के लास्ट में। लेकिन यदि डू की जगह हम डोंट का यूज़ कर लेते तो डोंट के बाद यहाँ क्या यूज़ करते, आइदर का यूज़ करते, कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसी से मिलता जुलता एक और कन्फ्यूजन है, एक कॉन्सेप्ट है जो आपको देखने को मिलता है। अब इसमें क्या होता है भाई, दोनों में क्या डिफरेंस है, तो दोनों में सिर्फ एक डिफरेंस है। देखिए दो सेंटेंस आपको इसके पहले भी था जिसमें हम लोग यहाँ पे आइदर नाइदर का यूज़ कर रहे थे, याद कीजिए आइदर और नाइदर, ये अभी हम लोगों ने सीखा है जस्ट अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि पहला सेंटेंस पॉजिटिव हो, इसमें ये सेंटेंस कैसा होता था, नेगेटिव, ठीक है, और इस सेंटेंस का टोन कैसा होता था, नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहला सेंटेंस कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, पहला कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, ये कंडीशन है भाई, एकदम स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करना चाहिए। पहला सेंटेंस कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, और दूसरा सेंटेंस कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। दूसरा सेंटेंस कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। दूसरा सेंटेंस अगर नेगेटिव हो तो यहाँ पे हम लोग नॉट के साथ, तो इसमें नो नॉट जिसका भी यूज़ किया गया हो तो उसके साथ हम लोग लास्ट में क्या यूज़ करते हैं, तो हम लोग यूज़ करते हैं एज वेल, क्या यूज़ करते हैं, एज वेल का यूज़ करेंगे, या टी डबल ओ टू का यूज़ करेंगे, या ऑल्सो का यूज़ करेंगे, किसका, इन तीनों में से किसी एक का यूज़ हम लोग करेंगे। अब ये बात आपको समझ में आई नहीं, इसका कुछ एग्जांपल होना चाहिए, आइए एक एग्जांपल लेते हैं इसका हम लोग, और एग्जांपल के माध्यम से सीखने का प्रयास करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सी कैन प्ले फुटबॉल, एक सेंटेंस हो गया। अब ये सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है। दूसरा सेंटेंस, but she cannot play cricket। अब देखिए पहला सेंटेंस कैसा है, अब पेन का कलर हम थोड़ा सा चेंज कर ले, पहला सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव, दूसरा सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ नॉट का यूज़ कर लिया गया, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेंटेंस के लास्ट में हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं एज वेल, इसके बाद फुल स्टॉप, हम लिख सकते हैं ऑल्सो, इसके बाद यहाँ पे फुल स्टॉप, हम लिख सकते हैं टू, इसके बाद यहाँ पे फुल स्टॉप, तीनों ही करेक्ट है। बात समझ में आ गई, कब किसका यूज़ कैसे करना है, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ से आगे निकलते हैं हम लोग, तो आइए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से हम लोग पढ़ते हैं। आर कुक पुट्स टू मेनी सॉल्ट इन द फूड। देखिए इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे देखिए ये सॉल्ट क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल के साथ हम लोग कभी मेनी का यूज नहीं करते हैं, ऐसा हमने आपको एडजेक्टिव में पहले से पढ़ाया था। हमने क्या पढ़ाया था एडजेक्टिव में आपको, तो हमने आपको बताया था कि मेनी का यूज़ करते हैं काउंटेबल नाउन के साथ, मच का यूज़ करते हैं अनकाउंटेबल के साथ, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले मच होना चाहिए। अब देखिए सारे ऑप्शन में आपको मच यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए एक और इस समस्या हम लोगों के साथ यहाँ पे आती है, हम लोगों को पढ़ना होता है, क्या पढ़ना होता है भाई, तो ये देखिए टू मच और मच टू, ये हम लोगों को सीखना है, टू मच और मच टू, ठीक है। एक बार फिर से हम लोग इसको सीखें, यहाँ पे दोनों में क्या अंतर है। देखिए आपको ये मच जब भी दिखाई पड़े तो ये सबसे पहले मच क्या है, तो मच होता है एडजेक्टिव, ये क्या होता है, तो ये होता है एडजेक्टिव। तो यदि आपको कहीं भी टू मच दिखाई दे तो आपको ध्यान रखना है कि टू मच के बाद यहाँ हम लोग यूज़ करते हैं नाउन, क्या यूज़ करते हैं, यूज़ करते हैं यहाँ पर नाउन, और ये जब मच टू आपको दिखाई दे तो यहाँ पे ये मच काम करता है एडवर्ब का और ये टू भी काम करता है एडवर्ब का, ठीक है। तो अब टू के बाद आपको क्या क्या लिखना चाहिए या टू के बाद क्या क्या आ सकता है ये हम आपको सिखाते चले। तो टू के बाद आपको प्रीपोजिशन दिखाई पड़ सकता है, यहाँ पे आपको ये प्रीपोजिशन दिखाई पड़ सकता है, आपको एडजेक्टिव दिखाई पड़ सकता है, आपको एडवर्ब दिखाई पड़ सकता है,
आपको कोई भी सेंटेंस दिखाई पड़ सकता है, आपको कोई भी क्लॉज यहाँ पे दिखाई पड़ सकता है। तो सिर्फ इतना हम लोगों को ध्यान रखना होता है इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। अब यदि हम लोग देखें तो हमारा आंसर क्या बनेगा, तो हमारा आंसर बन जाएगा, ये देखिए, पुट्स टू मच। हमारा आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, आई एम लाइक मच टू चाइनीज फूड। यहाँ पे देखिए, ये चाइनीज फूड क्या है, ये नाउन है। अब चूंकि ये नाउन है तो अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इस टू को यहाँ से रिमूव करेंगे और टू को यहाँ पे हम लोग प्लेस कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से आप रिलेटेड ऑप्शन को जरा ढूंढने का प्रयास कीजिए। तो रिलेटेड ऑप्शन हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें दिखाई दे रहा है टू मच, ये अर्थात आंसर क्या बनेगा, आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखें। यहाँ पे देखिए, हार्डली नो एफर्ट। तो सबसे पहले ये हार्डली क्या है, हार्डली क्या है भाई, तो हार्डली एक नेगेटिव वर्ड है। हार्डली क्या है, तो ये एक नेगेटिव वर्ड है, और ये देखिए नो भी क्या है, नेगेटिव है, तो डबल नेगेटिव का एरर क्रिएट हो गया। अब यदि हमें हार्डली को रखना है तो हमें यूज़ करना होगा एनी। हार्डली को रखना होगा तो यूज़ करेंगे एनी, ठीक है, अदरवाइज उसका यूज़ नहीं करेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए, ये विदाउट, ये क्या है, नेगेटिव। ये हार्डली क्या है, ये भी नेगेटिव, और ये नो क्या है, ये भी नेगेटिव। ये ट्रिपल नेगेटिव का एरर क्रिएट हो गया, ये आंसर हमारा नहीं हो सकता, नो इम्प्रूवमेंट आंसर नहीं होगा। अब ये दो ऑप्शन हमारे पास बचे हैं, ये देखिए हार्डली, हार्डली के साथ नहीं, इसका यूज़ हम कर सकते हैं और इसका यूज़ भी हम कर सकते हैं, बट इसको ज़रा सेंटेंस में प्लेस करके देखिए। इसको यदि बंडल के बाद हम लोग प्लेस करते हैं विथ हार्ड एंड एफर्ट, तो ये सेंटेंस अप्रोप्रिएट हमें नहीं लगता है, ज़्यादा बेहतर आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट आइए एक और क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखिए, इट हैज़ बीन रेनिंग वेरी हार्डली सिंस मॉर्निंग। मतलब जरा देखिए सेंटेंस में इसके कहने का सेंस क्या है, कि सुबह से मूसलाधार बारिश हो रही है, भीषण बारिश हो रही है, तो यहाँ पे हार्डली का यूज़ करेंगे, मतलब बारिश हो ही नहीं रही है। तो हमें क्या चाहिए था, हमें यहाँ पे यूज़ करना चाहिए हार्डली का ये जो एलवाई है, यदि हम लोग सिंपली इसको रिमूव कर दें तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लीजिए, एक ही ऑप्शन है जिसमें हार्ड का यूज़ किया गया, ये देखिए ऑप्शन नंबर डी, तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन देखिए आपके मेंस 2018 में सीपीयू में पूछा गया था। तो आज के इस क्लास को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। अगला क्लास जो है हमारा एडवर्ब का पार्ट टू जो होगा वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। क्यों इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि अगले क्लास में हम लोग इन्वर्जन को पढ़ेंगे और इनके आगे के ढेर सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के इस क्लास को अब हम लोग यहीं पर कंक्लूड करते हैं। आप सबों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। थैंक यू।